देखो लोंडो, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बीजेएमआई वर्सेस फ्री फायर की। और देखो हाँ, मैं कोई टेक चैनल नहीं हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर मैं कोई बायस डायरेक्शन दूंगा। अब यहाँ पर जो फ्री फायर है वो एक बैटल रॉयल गेम है और साथ में बीजीएमआई भी एक बैटल रॉयल गेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही गेम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और आज हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक तुमको कोई भी टेक चैनल नहीं बताएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो फ्री फायर और बीजीएमआई में बहुत अलग अलग टाइप के ऑडियंस है। और देखो मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि फ्री फायर में 9 साल की ऑडियंस नहीं है या फिर बीजीएमआई में 9 साल की ऑडियंस नहीं है। तो देखो जो 9 साल वाली मंदबुद्धि जनता है ना, वो दोनों गेम। फॉर एग्जांपल के लिए तुम लेटेस्ट इंसिडेंट देख लो, जिसमें बीजीएमआई में एक पर्टिकुलर टीम ने दूसरे पर्टिकुलर टीम के प्लेयर्स को मारा, पर पिकाचू लोग शायद कोई नशा करके बैठे होंगे या फिर उस दिन पिकाचू ना आया होगा टीवी पे, तो इससे हुआ है कि सामने वाली टीम को मारने वाली जो टीम थी उसको हेट मिलने लगी। और अगर तुम वही बात करो फ्री फायर की, भाई फ्री फायर में ये कोई नई बात नहीं, यहाँ तो ये रोज का काम, और इसका दुख सिर्फ अंडरडॉग टीम से समझ सकती है। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अब देखो दोनों ही बैटल रॉयल गेम है तो बनी बात है यहाँ पर ई-स्पोर्ट्स भी होगा, लेकिन अगर तुम दोनों के ई-स्पोर्ट्स को कंपेयर करोगे ना, दोनों में बहुत अंतर है। अब एग्जांपल के लिए तुम चाहो तो क्रेज देख लो। अगर मान के चलो फ्री फायर को 1 मिलियन वॉचिंग टच करना है, तो उस 1 मिलियन की वॉचिंग को टच करने के लिए फ्री फायर पता है तुम्हें क्या क्या करता है? सबसे पहले फ्री फायर ये बोलता है कि जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट चल रहा है, इस टूर्नामेंट को कोई भी और कंटेंट क्रिएटर कहीं और स्ट्रीम नहीं कर सकता, नो मैटर बंदा खेल रहा हो या फिर नहीं खेल रहा। और वही बात करो अगर तुम बीजीएमआई की, तो मैं लेटेस्ट में टूर्नामेंट देखा, वहाँ पे स्ट्रीमर बैटल, लेकिन वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ का क्रिएटर्स उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को स्ट्रीम भी कर रहे थे। पर वही चीज अगर फ्री फायर में कोई करता है तो उससे उसको स्ट्राइक पड़ जाती है। और वही बात करो तुम अगर वॉचिंग के टारगेट के, तो बीजीएमआई में ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है कि आप इतनी वॉचिंग टच करो या फिर इतना वो करो तो ये मिलेगा। और वही बात अगर तुम करोगे फ्री फायर की, तो वहां पर एक पर्टिकुलर वॉचिंग को लाने के लिए, मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए, गिवअवेज का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस ही ऐसी है। इससे नुकसान ये होता है कि जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है ई-स्पोर्ट्स में, वो कभी भी ई-स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाती है, वो सिर्फ गिवअवेज से मतलब रखती है, गिवअवे तक सीमित रहती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। और भाई तुम बीजीएमआई की बात करो, तो वहां पर जितनी भी टीम्स होती है जो कॉम्पिटेटिव खेलती है उनकी अलग वैल्यू होती है, और फ्री फायर में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, कॉम्पिटेटिव वालों को छोड़ के बाकी सबकी इज्जत होती है। साथ में वही तुम बात करोगे ब्रांड्स की, तो ब्रांड्स का भी यहाँ पर वही सेम सीन है। अगर तुम बात करोगे बीजीएमआई की, तो वहाँ पर ब्रांड्स का पॉजिटिव रिव्यू होता है कि हाँ हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और भाई तुम बात करो फ्री फायर की, तो यहाँ कोई घुसना ही नहीं चाह रहा बिकॉज ऑफ 9 साल की ऑडियंस। पर देखो ये बात कड़वा सच है, बट हाँ ये सच है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब यहाँ पर देखो नूब एंड प्रो की बात हो रही है, तो तुमको एक चीज यहाँ पे ध्यान में लेके चलना चाहिए कि दोनों ही गेम में स्किल और स्किन को लेके बहुत बड़ा अंतर है, पर यहाँ पर वो अंतर और बड़ा हो जाता है जब तुम बात करते हो डिफॉल्ट फीचर की। क्योंकि देखो फ्री फायर में ऐसा है कि अगर आपको किसी को मारना है तो आप डिफॉल्ट फीचर का यूज कर सकते हो, और उसके लिए आपको इतनी स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आप जूम इन जूम आउट करके तुक्का भी मारोगे तो फ्री फायर में आप इजीली बंदे को मार सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर सेम चीज की जाएगी बीजीएमआई में, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर आपको एनिमी को मारना है तो आपको प्रिसाइज का यूज करना पड़ेगा, और प्रिसाइज से मेरा मतलब आपको बकायदा स्कोप खोलनी पड़ेगी, एनिमी पे एम करना पड़ेगा और फिर उसको मारना पड़ेगा। देखो इसमें मेहनत लगती है, स्किल लगती है। और वही तुम दूसरी साइड देखोगे तो ये एक खासियत भी हो गई फ्री फायर की, क्योंकि देखो फ्री फायर को खेलने वाली आधी जनता बच्ची है, 17 से कम साल। तुम ये कह लो कि 95-90% पब्लिक अंडर है, तो उन बंदों को खेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए शायद डिफॉल्ट फीचर दिया गया हो। इसलिए फ्री फायर अपने डिफॉल्ट फीचर के कारण सभी गेम से अलग मानी जाती है, तो इसलिए तुम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर गेम का बंदा प्रो होता है और इस पर्टिकुलर गेम का बंदा नूब होता है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग गेम, दोनों का अपना अलग अलग खेलने का तरीका है। लेकिन तुम ये बात जरूर कह सकते हो कि फ्री फायर को खेलना थोड़ा आसान पड़ जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। और अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों गेम्स के बीच के सबसे बड़े अंतर की। पहले बात करते हैं हम फ्री फायर की। तो देखो तुम सब जानते हो फ्री फायर के 95% ऑडियंस माइनर्स है, मतलब 17-18 साल से कम के बंदे। अब देखो जीवादी बहुत बड़ा कड़वा सच है कि नहीं हर बंदा यूट्यूबर बन सकता है, नहीं हर बंदा अच्छा प्लेयर बन सकता है, नहीं हर बंदा कॉम्पिटेटिव प्लेयर बन सकता है। तो ये मान के चलो अगर फ्री फायर को खेलने वाले 100 लोग हैं इंडिया, तो उनमें से 4-5 लोग ही होंगे जो यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी कॉम्पिटेटिव टीम में कॉम्पिटेटिव प्लेयर होंगे। बाकी जितने भी लोग बच रहे हैं वो सारे एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं या फिर डीजे आलोक के लिए। तो चलो समझते हैं कैसा पे टू विन और आखिर इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो देखो गेम में क्लासिक और रैंक होते हैं, और सेम उसी तरह फ्री फायर में भी है। पर फ्री फायर में कुछ ऐसी स्कीम है कि जो आप क्लासिक रैंक खेल रहे हो उसमें जो आप गन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उन गन्स में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब पावर, जैसे कि जो नॉर्मल गन होती है वो नॉर्मल ही रहती है, पर अगर आप जो ये स्किन वाली गन ले रहे हो, जैसे ड्रैगन एके हो गई, इवोज एके हो गई या फिर कोई MP40 की स्किन हो गई, तो वो जो स्किन वाली गन होगी उसमें ज्यादा पावर होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल गन। सीधी भाषा में ये कह लो कि जो नॉर्मल गन यूज कर रहा है बंदा उसके पास कम पावर वाली गन, और मतलब ये कह लो कि जो बंदा जिसके पास ऐसी गन है जिसमें एट्रीब्यूट्स है उसके पास ज्यादा बेनिफिट है मारने का। और एग्जांपल के लिए तुम ये कह लो दो बंदे जिनके पास एक में गन स्किन है और दूसरे वाले के पास गन स्किन नहीं है, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि जिसके पास गन स्किन है वही जीतेगा। क्योंकि देखो हर कोई रियोक का छोटा भाई नहीं होता है, नहीं हर कोई White 444 के मामा का लड़का होता है, तो उसकी सारी गोलियां सिर्फ हेड के अंदर बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हेड पर ही पड़ेंगी। तो देखो ये गन बिल्कुल मत देना कि अपनी स्किल बढ़ाओ, ये करो वो करो। देखो डिफरेंस तो क्रिएट होता है एट्रीब्यूट के साथ खेलना और एट्रीब्यूट के साथ नहीं खेलना, इसमें बहुत बड़ा अंतर क्रिएट होता है गेम। और वही बात करो अगर तुम फ्री फायर के टूर्नामेंट्स की, तो वो भी बिल्कुल पे टू विन। फॉर एग्जांपल के लिए तुम कैरेक्टर देख लो, टूर्नामेंट में अगर आप क्रोनो यूज कर रहे हो तो आपके पास एक शील्ड है जिसमें आपको कोई नहीं मार
सकता, और जिसके पास वो चीज खरीदने के पैसे नहीं है वो टूर्नामेंट में खेल ही नहीं पाता है। और सेम चीज अप्लाई होती है पेट कैरेक्टर्स के लिए भी, क्योंकि एक कैरेक्टर है जो आपको चिड़िया के रूप में मिलता है जिससे आप जल्दी लैंडिंग करते हो, और दूसरा मिलता है आपको ग्लूवल देने वाला पेट। और अगर आप ये दोनों चीज खरीद नहीं पा रहे हो तो फिर हो गया आपका कल्याण। देखो स्किल होना बहुत जरूरी है, पर स्किल के साथ फ्री फायर में अगर आपको जीतना है तो स्किन भी होना चाहिए। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। देखो यहाँ पर पे टू विन से नुकसान क्या होता है पहले वो जान। देखो नुकसान थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है। तो मैं रोड डेली अपनी स्टोरी पे लगाता हूँ और तुमको दिखाता हूँ कि भाई देखो कितनी जाने जा रही है फ्री फायर की वजह। और इसमें अधिकतर जाने जाने का मेन कारण है फ्री फायर में पे टू विन। जो तुमको ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो आज का है, और ऐसा ना जाने कितने रोज मिलते हैं। और ये तो वो बच्चे हैं जो न्यूज में आ रहे हैं, और सोचो जो न्यूज में नहीं आ पा रहे उनका क्या। अब तुम इस बात से तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ना जाने कितने बंदे रोड डेली सुसाइड करते हैं फ्री फायर के कारण। और मजे की बात पता है तुमको क्या होती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्ग्स होती है, उनके जो ओनर होते हैं वो बने ई स्पोर्ट्स के ठेकेदार। जितने भी ऑर्ग्स के ओनर होते हैं जो बोलते हैं कि हमको ई स्पोर्ट्स चलाना है, इंडिया में ग्रो करना है, वो जो उनकी बात होती है ना उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमको सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना है। अगर उनको सच में फर्क पड़ता ई स्पोर्ट्स से बाकी चीजों से तो आज इस पे नजर देते हैं, वो थोड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ बहस के बीन बजा रहा हूँ। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और भाई तुम बात करते हो अगर बीजीएमआई की, तो वहाँ पर मैंने ऐसा कोई सीन नहीं देखा कि वहाँ पे आपको गन स्किन्स में एट्रीब्यूट्स होंगे या फिर आपको जीतने के लिए पैसा देना पड़ेगा। देखो बीजीएमआई का एक सिंपल सा सीन है, अगर सामने कोई बंदा जिसका लेवल 100 है, उसके पास सारी गन्स की स्किन्स हैं, पूरी मैक्स हैं, और दुनिया भर की ड्रेसें हैं अगर उसके पास, और उस पर्टिकुलर बंदे के अपोनेंट में कोई एक लेवल का बंदा खड़ा है और उसके पास ना ही कोई गन स्किन है ना ही कोई ड्रेस, और उस एक लेवल वाले बंदे के पास सिर्फ स्किल्स है, क्या तुम ये कह लो कि जो दोनों बंदे हैं 100 लेवल वाला और एक लेवल वाला दोनों के स्किल्स बराबर है, इक्वल है, तो जो दोनों बंदों के बीच की लड़ाई होगी वो स्किल बेस्ड होगी। वहां पर किसी को अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी स्किन का या फिर किसी भी एट्रीब्यूट। तो यू भी कह सकते हो कि वहां पर अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुमको गेम में पैसा मिलेगा, तुमको लगाने की जरूरत नहीं है। और जो स्किल वाले प्लेयर होते हैं उनकी एक अलग ही इज्जत होती है वहां पे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि स्किन वालों की इज्जत नहीं होती है, स्किन वालों की इज्जत तो होती है, पर जो वो स्किल वाला है ना उसके बाल बराबर भी नहीं होती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब देखो यहाँ बात करते हैं हम चीजों की कीमत की। देखो यहाँ पर अगर तुम कंपेयर करोगे ना बीजीएमआई को और फ्री फायर को, तो फ्री फायर में चीजों का रेट बहुत कम है पर बीजीएमआई में बहुत ज्यादा है। तुम मान के चलो एक पर्टिकुलर गन है जो उसको कोई खरीदना चाहता है तो फिर वो अंधा पैसा ही लगाए। वहीं अगर तुम बात करते हो फ्री फायर की, तो वहां पर तुमको उतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। पर यहाँ पर दोनों गेम की एक स्कीम एकदम सेम, रैंडम का बोल के बहुत तगड़ा पब्लिक का चूतिया काटते हैं ये लोग। कहने को तो वहां लिखा रहता है कि आपको रैंडमली मिलेगा, लेकिन ये बात से कोई मना नहीं कर सकता कि जो कम लेवल का बंदा होता है फिर जो कम परचेस करता है उसको जल्दी मिलता है, जो बंदा परचेस ज्यादा करता है उसको और लेट मिलती है चीजें, इवन मीडियम परचेस करने वाले को भी लेट मिलती है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत मतलब अजीब सा लगता है दोनों गेम। बाकी अगर तुम बात कर लो, चाहे तुम गन्स की स्किन ले लो, चाहे तुम पेट ले लो, चाहे तुम यहाँ पे कैरेक्टर ले लो, चाहे तुम कुछ भी ले लो, यहाँ पे तुम अगर दोनों गेम्स के बारे में जानते हो, समझते हो, तुमने कभी खेला है, तो बीजीएमआई बहुत महंगा है भाई। लेकिन बीजीएमआई में एक चीज होती है कि देखो यहाँ पर तुमको गन स्किन ड्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मान के चलो तुमने एक बहुत महंगी ड्रेस ली, तुम खेलने गए गेम के अंदर, सामने वाले ने तुमको मार दिया, तुमको मारने के बाद तुम्हारी ड्रेस है उसको पहन के पूरा गेम खेल सकता है। तो मतलब ये कह लो कि जो तुम्हारी ड्रेस है वो जब तक तुम जिंदा हो तभी तक या फिर वो तुम्हारी लॉबी तक ही सीमित है। तो ये वाला जो फीचर है बीजीएमआई का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मान के चलो कोई प्लेयर है उसको अच्छी ड्रेस पहनने का शौक है, तो वो बंदा फिर अपनी स्किल को बढ़ाता है और सामने वाले बंदे को मारता है जिसकी अच्छी ड्रेस है और उसकी ड्रेस को छीन लेता है। और इस पर्टिकुलर गेम में फिर वो मजे करता है भाई उसकी महंगी महंगी ड्रेस पहन के शौक। तो यहाँ पर एक तरह से स्किल पे बहुत फोकस दिया जाता है बीजीएमआई में। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अब बात के दोनों गेम के इलाइट पास और रॉयल पास की। देखो फ्री फायर में होता है इलाइट पास और बीजीएमआई में होता है रॉयल पास। अब यहाँ पर अगर तुम फ्री फायर का इलाइट पास देखोगे तो वो पड़ता है तुमको 500 डायमंड का, और वहाँ बीजीएमआई का 2000-2200 बहुत ज्यादा पड़ जाता है। मतलब। लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा ही डिफरेंस है। मतलब बीजीएमआई में अगर तुम इलाइट पास रॉयल पास टाइप कोई चीज ले रहे हो तो वो तुम्हारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर वो तुमको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, वो हर महीने अपने आप अपग्रेड होगा ऐसा सुना है। लेकिन फ्री फायर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको हर महीना पैसा देना पड़ता है अपग्रेड करने के लिए। अगर सच में ऐसा होता है कि आप बीजीएमआई में इलाइट पास ले रहे हो और वो अपने आप अपग्रेड हो रहा है, तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ये देखो ये फीचर मेरे को थोड़ा सही लगा, क्योंकि देखो इलाइट पास में यहाँ पर उनके गन स्किन या फिर बाकी चीजें तो है नहीं, गन में एट्रीब्यूट हो बाकी चीजें हो तो आपको लेने में थोड़ा सोचना पड़े। पर यहाँ पे क्या है कि देखो जो इनका रॉयल पास होता है इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बहुत सारी का मतलब मैंने गेम खोल के देखा था भाई, दुनिया भर की चीजें दे रखी थी उन लोगों ने। तो यहाँ तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो बीजीएमआई का सिस्टम था वो ज्यादा अच्छा था, मतलब एज कम्पेयर टू फ्री फायर। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अब रही बात लीगल इलीगल की, देखो भाई हर गेम में लीगल चीजें भी होती हैं इलीगल चीजें भी होती हैं। और देखो अगर तुम बात करो इलीगल चीजों की, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ कार्डिंग। देखो या तुम ये गेम का दुर्भाग्य खेल लो या फिर यहाँ पे सौभाग्य खेल लो। दुर्भाग्य से मेरा मतलब बीजीएमआई का दुर्भाग्य, सौभाग्य से मतलब फ्री फायर का सौभाग्य। देखो बीजीएमआई में 15 दिन में मैंने एक चीज जरूर महसूस करी है कि यहाँ पर कार्डर्स बहुत ज्यादा है भाई। और वही दूसरी तरफ अगर देखोगे तुम फ्री फायर के, तो यहाँ बच्चे हैं और इसीलिए यहाँ पर कार्डिंग वाली चीजें उतनी स्प्रेड नहीं हो पाती। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ की जो टीम है गरीना की जो काम कर रही है वो बहुत स्ट्रिक्ट है चीजों को लेकर। और दूसरी चीज यहाँ के यूट्यूबर्स और यहाँ की ऑडियंस
यहाँ के यूट्यूबर्स एक बार अगर कार्डिंग वाला सीन देखते हैं तो फिर उसके खिलाफ बोल पड़ते हैं। और सर इसी वजह से फ्री फायर में कार्डिंग वाले सीन बहुत कम है एज कम्पेयर टू बीजीएमआई, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा था जिन लोगों ने पबजी में अकाउंट में कार्डिंग की, फिर पबजी वाले अकाउंट को बीजीएमआई में ट्रांसफर किया और फिर सेल कर रहे थे। तो जो कार्डिंग वाला सीन है इसमें अपना फ्री फायर जो है थोड़ा बेस्ट है सब चीजों में। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अब देखो तुम से बहुत सारे लोग थे मुझसे पूछते थे कि भाई हमको न्यूज चैनल खोलना है तो हमको कैसा खोलना चाहिए। तो बहुत पहले ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की टीम ने अपना खुद का एक न्यूज चैनल खोला, क्योंकि देखो लौंडा तुम अपने आप को बोलते हो गेमर और तुम लोग कभी फ्री फायर के आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, तुमको यही नहीं पता कि वेलोरेंट क्या होता है और इवन तुमको दूसरे पीसी गेम्स मोबाइल गेम के नाम ही नहीं पता है। और मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मन है कि तुम ऐसे चैनल को देखो जो सच में न्यूज अच्छी सुनाता है, या कोई ऐसा चैनल जहां पर तुमको सारी न्यूज मिल जाएंगी, मतलब जो मेन मेन काम काम की चीजें तुम्हारे, जहां पर तुम्हें कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखा जाएगा, जो मेन मेन चीजें होती है कम्युनिटी में इवेंट से लेकर हर एक चीज मालूम पड़े, और फर्क नहीं पड़ता कि वो कम्युनिटी बीजीएमआई की हो, वेलोरेंट की हो, कोई अदर पीसी गेम की या फ्री फायर की, सबकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल के लिंक दिए, वो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, पछताओगे नहीं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। और अगर तुमने उस चैनल की एक दो वीडियो देख लेना तो भाई फिर वो एडिक्शन बन जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। जो हमारे बीजीएमआई का चैनल था हमने जो नया क्रिएट किया था उसको किसी कारण से डिलीट करना पड़ा, क्योंकि पास्ट में आई हुई स्ट्राइक की वजह से वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जा रही थी और उतनी रीच भी नहीं। तो इसके लिए क्या किया था हमने, एक नया चैनल बनाया था। तुम में जितने लोग बीजीएमआई खेलते हैं तो भाई देखो वहां पर मैं जाके ऑफलाइन वीडियोस डालने वाला हूं, गेम प्ले से थोड़ा अलग घटके चीजें, क्योंकि गेम प्ले मेरी उतनी नहीं है, मैं सीख जाऊंगा तो जरूर डालूं। और अगर इंटरनेट अच्छा रहा, माइक अच्छा रहा तो कभी कभी लाइव भी कर लिया करेंगे। और गुड न्यूज और सुनो, देखो ऐसा है कि जो तुम बोल रहे थे ना फेस कैम के साथ स्ट्रीम करो तो वो जल्द ही होने वाला है, मतलब ये कह लो तुमको ज्यादा दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, तो अपने हाथों की उंगलियों पर भी दिन गिन सकते हो। अब देखो मैंने हिंट दे दिए, बाकी अब सब तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या सही है क्या नहीं। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और बाकी लोग भाई खाओ पियो ऐश करो। और देखो जो आज वीडियो हमने डाली है वो पहला पार्ट था, अभी इसका दूसरा पार्ट आना बाकी है, ज्यादा खुश मत होना। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको हमने कवर नहीं किया, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अलग टॉपिक के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।